नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा और आप सभी देख रहे हैं ब्रजवासी कल। उम्मीद करती हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रख भी रहे होंगे। हम अपनी त्वचा पर क्या लगा रहे हैं, वो हमें कितने फ़ायदे पहुंचाएगा और कितने नुकसान पहुंचाएगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अपनी त्वचा पर हमेशा ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करें जो आपको नुकसान न पहुँचाएँ बल्कि फ़ायदे ही पहुँचाएँ, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ यूज़ कर लेते हैं जो आपको नुकसान पहुँचाती हैं तो उनकी रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उनको धीरे धीरे ठीक होने में। तो सेफ चीज़ों पर आते हैं और आज हम एक ऐसे ही प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हर एक स्किन टाइप्स के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है ये। तो आई होप अभी तक आपने ब्रजवासी गर्ल को सब्सक्राइब कर दिया हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गार्जिया अब ब्राइटनिंग फेस सीरम की। ये 30 ml की पैकेजिंग में आती है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, नॉन एनिमल टेस्टेड है, सिलिकॉन फ्री है, पैराबिन फ्री है, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल यूज़ नहीं किया गया जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है दोस्तों, स्टेरॉयड फ्री है, इसको हर एक एज में यूज़ किया जा सकता है 16 की उम्र के बाद में। 30 ml की पैकेजिंग है इसकी और इसका प्राइस है 1299, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको परचेस करेंगे तो इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आप इसको डिस्काउंट में परचेस कर सकते हैं। बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट की। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट यूज़ किया गया है वो है ग्लाइकोलिक एसिड। देखिए ग्लाइकोलिक एसिड प्राकृतिक रूप से गन्ने में और अंगूर में पाया जाता है, तो इस तरीके से ये साबित होता है ये बिल्कुल सेफ है क्योंकि ये नेचुरल सोर्स से प्राप्त किया जाता है। इस एसिड से आपकी जो त्वचा है उसका उपचार किया जाता है, चाहे आपकी स्किन पर एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो, पिगमेंटेशन, दाग धब्बे, झाइयाँ हो, आपकी स्किन पर एक्ने हो रहा है, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रखती है, या बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, तो इस तरीके से इसका उपचार किया जाता है। ये एक केमिकल पीलिंग भी इसको माना जाता है, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है। ग्लाइकोलिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड के ग्रुप का ही एक एसिड है जो कि तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आजकल इसका इस्तेमाल किया ही जा रहा है, चाहे क्रीम हो, लोशंस हो या सीरम्स हो। तो इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड है उसका 8% में यूज़ किया गया है। देखिए जो ग्लाइकोलिक एसिड होता है ये एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटर की तरह आपकी स्किन पर काम करता है, ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, ग्लोइंग बनाता है, आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट बनाता है। ग्लाइकोलिक एसिड के जो प्रोडक्ट होते हैं इनको हम लंबे टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये आपकी स्किन से रिंकल्स को दूर करते हैं, एंटी एजिंग के जो भी निशान आपकी स्किन पर उम्र से पहले दिखाई देने लगते हैं उन्हें दूर करते हैं। देखिए ग्लाइकोलिक एसिड यूवी रेज से डैमेज हुई स्किन में भी जान डालने का काम करता है। जब सूर्य की रोशनी से आपकी त्वचा अपनी नमी खोने लगती है, धीरे धीरे ड्राई हो जाती है, उस पर पैचेस पड़ जाते हैं, दाग धब्बे से हो जाते हैं, तो ये उन्हें भी ठीक करता है। आपकी त्वचा में जो खोई हुई नमी है उसे लौटाता है, चमक को वापस लाता है। पिगमेंटेशन के निशान हो आपके चेहरे पर, मेलाज्मा हो, भूरे रंग के निशान है, काले निशान है, तो इस समस्या को भी ग्लाइकोलिक एसिड दूर करता है अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो। अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहा है या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये आपकी स्किन को बैलेंस बना करके रखता है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती है, ऑयली भी नहीं होती है, जिससे आपकी स्किन एकदम स्मूथ रहती है, ऑयल फ्री रहती है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस भी आपकी स्किन पर नहीं होती है। इस सीरम में जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है हयालुरोनिक एसिड, 2% यूज़ किया गया है। हयालुरोनिक एसिड का लगभग 50% मानव के शरीर के त्वचा के टिश्यूज़ के भीतर ही पाया जाता है, यानी कि मानव के शरीर में ही पाया जाता है हयालुरोनिक एसिड, जो नेचुरल तरीके से ही बनता है। हयालुरोनिक एसिड एक शुगर मॉलिक्यूल है जो कि आपकी स्किन में प्राकृतिक रूप से पहले से मौजूद होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये कम होता चला जाता है। तो कुछ एक सीरम्स में, क्रीम्स में आजकल इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये आपकी स्किन को ऊपर से अप्लाई करने पर आपकी स्किन में पहुंचे, क्योंकि आप ऊपर से जो भी लगाते हैं वो आपकी स्किन के अंदर जाता ही है। जब आप इस सीरम को अपने चेहरे पर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन में जो पानी की कमी होती जा रही है और जिसकी वजह से कोलेजन आपकी स्किन में नहीं बढ़ रहा है, तो ये उस पानी को और कोलेजन को बांध के रखता है, जिससे आपकी स्किन में एंटी एजिंग प्रॉब्लम बहुत जल्दी नहीं आती और नेचुरल ग्लो बना रहता है, जिससे आपकी स्किन जो है रूखी नहीं लगती, एकदम खिली खिली लगती है और हाइड्रेट लगती है।
थर्ड इंग्रेडिएंट इस सीरम का है विटामिन सी, जो कि इसमें 20% में यूज़ किया गया है। कम से कम आपकी स्किन पर काम करे ऐसी आपको विटामिन सी सीरम चाहिए, तो कम से कम उसमें 20% में विटामिन सी होना चाहिए। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपकी स्किन से हर एक प्रॉब्लम को दूर करता है। एंटी एजिंग साइन हो या आपकी स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन हो, एक्ने हो, आपकी स्किन को ब्राइट करता है, लाइट करता है। विटामिन सी नेचुरल चीज़ों से ही प्राप्त होता है। इसको ऑरेंज में सबसे ज़्यादा माना जाता है और ऑरेंज से ही विटामिन सी को लिया जाता है जब किसी भी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें बेस का ही यूज़ किया गया है, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। इसमें सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको अपने फेस को वॉश करना है, इसकी 2 से 3 ड्रॉप अपने चेहरे पर लगानी है और फिर ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट रुकना है, उसके बाद में अपना कोई भी मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन जरूर लगा सकते हैं। सनस्क्रीन जरूर लगाइए और नाइट में भी इसी तरीके से यूज़ करना है। अपने फेस को वॉश करना है, 2 से 3 ड्रॉप लगाना है, उसके बाद में 10 मिनट रुकने के बाद अपना आप कोई भी नाइट क्रीम लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। 36 मंथ की आपको इसकी एक्सपायरी डेट मिल जाती है, तो आपका ये काफ़ी टाइम चल भी जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।